हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशीर्वाद पर फिर से आपका स्वागत है आशीर्वाद में। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका वेट बहुत ज्यादा है, वो ओवरवेट है और बहुत उनके बार बार मन में ये थॉट आता है कि हम किसी के भी पास जाते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा उछल कूद करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं और बोलते हैं कि आपका वजन कम इससे होगा। लेकिन जब आपसे ज्यादा उछल कूद होती ही नहीं है, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी है और उसमें इतनी ज्यादा अगर स्टफनेस है, कड़कपन है, आप बिल्कुल भी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आखिर आपका वजन कम होगा कैसे, पहला सवाल ये। दूसरा ये कि आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस चाहिए स्टार्टिंग में जो कि आप सबसे पहले शुरुआत करें उन एक्सरसाइजेस से। जब थोड़े दिन बाद आप वो कर लें तो उसके बाद आप धीमे धीमे हार्ड एक्सरसाइजेस की तरफ आगे बढ़ें और उससे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप ही के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस लाई हूँ जो आपकी बॉडी के स्टफनेस को निकाल देगी, साथ ही साथ जो आपकी बॉडी है जो ज़्यादा हिलडुल नहीं पाती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करने वाली है, जिससे कि आप अपने वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ पाए। लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी होगी, क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगी कुछ ऐसी ईजी एक्सरसाइजेज, योगा पोजेज जो कि आप कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी ज़्यादा परेशान नहीं होगी। लेकिन बस आपको करनी होगी आपकी विल पावर से एक कोशिश, और ये कोशिश अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी की न केवल स्टफनेस निकलेगी और उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे लूज होगी, उससे आप जो अदर एक्सरसाइजेज है वो करने के लिए ईजीली तैयार हो पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम देखते हैं सबसे पहले सबसे इजी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम अपने हाथों के लिए ही स्टफनेस को हटाने के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं। अपने हाथों को हम सामने की तरफ इस तरीके से लेंगे, दोनों हथेलियाँ सामने हैं, अपने हाथों को सामने की तरफ लेकर धीरे धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाओ। ऊपर उठाओगे कमर आपकी एकदम सीधी रहेगी। कोशिश करो जिस तरह से कंफर्टेबल हो बैठ जाओ जमीन पर, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बैठ रही हूँ उस तरह से, लेकिन जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है आप उसी तरीके से बैठेंगे। इस तरीके से अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर बैठकर भी आप ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे इस तरीके से। 3-4 कमर सीधी होनी चाहिए अगर चेयर पर बैठे हैं तो भी, और अपने हाथ को कोशिश करोगे जितना स्ट्रेटली ऊपर लेके जाओ उतना लेके जाओ इस तरीके से, और फिर ऊपर हल्का सा आपको पुल करना है इस तरीके से, नीचे लाओ ऊपर हल्का सा ऊपर की तरफ पुल, जिस तरीके से हमें कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है इस तरीके से हल्का सा ऊपर की तरफ पुल, धैन नीचे लेकर आओ इस तरीके से, धीरे धीरे जब आपके हाथ उठने लगेंगे तो आप कोशिश करेंगे स्पीड को बढ़ाने की, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे केवल इतनी कोशिश करेंगे कि जो आपके हाथ अगर बहुत हैवी हैं तो वो मुड़ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, अपने एल्बो को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है इस तरीके से। चलिए इस तरीके से कम 50 बार करने के बाद आप बढ़ेंगे आगे की तरफ और अपने हाथों को लेंगे जमीन को हथेली दिखाते हुए इस तरीके से। अब क्या करोगे, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रेशर को फील करो इस तरीके से, प्रेशर फील करो इस तरीके से। ये भी हमें 50 बार करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, इस तरीके से हाथों को सामने की तरफ सीधा लेते हुए लेफ्ट एंड राइट पे मूवमेंट, 1, 2, 3, 4 आप जिस तरह से हाथ जा रहा है उस तरफ से आप देखेंगे, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो ज्यादा मूव नहीं करेगी, सिर्फ जो आपका अपर एरिया है वही मूव कर रहा है इस तरीके से। रिलैक्स। चलिए अगली
एक्सरसाइज देखते हैं या फिर आप कहेंगे हल्की सी स्ट्रेचिंग देखते हैं जिसमें आपको आपके नेक को रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, मुंह से सांस छोड़ो, ब्रीद इन, नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, रिलैक्स। अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज। तो अगली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने घुटनों में आना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप हल्की सी आप या तो किसी बेडशीट को फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ऐसा पिलो इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल ही थिन हो, यानी कि पतला हो और सरफेस एकदम बराबर होना चाहिए उसका, और अपने घुटनों के नीचे लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे अपने घुटनों पर। अब क्या करोगे, इस तरीके से आ जाने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की तरफ लेकर आओ। जितना पैर ऊपर की तरफ आपका उठ रहा है उतना आपको उठाने की कोशिश करनी है। इसमें आप कम से कम 20 सेकंड के लिए होल्ड रहोगे, मैं आपको कम टाइम के लिए बता रही हूँ। नीचे लाओ, अगेन दूसरे पैर से, पैर एकदम स्ट्रेट है, वन बाय वन हमें करना है एक एक पैर से इसको। इस तरीके से मैं आपको ये कम टाइम के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम इनके दो सेट जरूर कंप्लीट करने हैं। 20-20 रेपिटेशन, 10-10 सेकंड्स का आप होल्ड दोगे। ठीक है, इससे अगली एक्सरसाइज के लिए आप क्या करोगे, एक्चुअली में जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, इसमें आपको आराम से बैलेंस करने लग जाओ, तब आपको इस आसन को पूरा करना है। इस तरीके से जो पैर हमारा ऊपर रहेगा उससे जस्ट अपोजिट हैंड हमें बैलेंस करना है सामने की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आप ये स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे हर चीज होने लगती है। ठीक है, अगली चीज करते हैं। उसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने पैर के घुटने को आगे लोगे, ऊपर लेके जाओगे इस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। दूसरे पैर से भी सेम चीज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, रिलैक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला आसन। तो उसके लिए आपको सीधा लेटना होगा इस तरीके से। ठीक है, लेट जाओगे, अपनी एड़ियों को पकड़ो और अपने हिप को ऊपर की तरफ पुश करो, इस तरीके से पुश करो। होल्ड करेंगे हम कम से कम 10 सेकंड्स के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। नीचे आओ, अगेन रिपीट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, रिलैक्स।
आपको इस आसन को, सेतुबंध आसन को आपको कम से कम 20 बार करना है। 10-10 सेकंड्स का आप होल्ड देंगे। इस आसन से आपके जो लोअर बॉडी है, यानी कि जो आपके थाइस है, वहाँ प्रेशर बनता है, आपके हिप्स, आपके टमी यानी लोअर बैली पर भी काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जल्दी से हम अगले आसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाओगे और पैरों को इस तरह से पकड़ लो, ठीक है। अगर आपके पैर इस तरीके से हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस तरीके से पकड़ लो, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे इस तरीके से कोशिश करो पैरों के घुटनों को सीधा करने की। इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें किक करना है, इस तरीके से, इस तरीके से, धीरे धीरे इस तरीके से। कम से कम 40 बार। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, कम से कम 30 सेकंड्स का होल्ड, लेकिन मैं आपको ये कम टाइम के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको इसमें होल्ड करना है। इसके बाद आप आराम से उठ सकते हैं। बॉडी को ज़्यादा प्रेशर झटके से आप नहीं उठाएंगे, हल्के हल्के आराम से साइड वाइज सपोर्ट देते हुए आप उठ जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ कुछ इतनी ही एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये एक्सरसाइजेज पसंद आई है, आप और इस तरीके की एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं अपने लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट में यस लिखेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो आपके काम का लगा हो, एक्सरसाइजेज आपको इजी इफेक्टिव लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो याद रखकर इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।